एक हमारा कुत्ता आ गया जी, यहाँ रह रहा गाँव में, उसने कम से कम 30-35 लोगों को काटा है। मेरा देखो पूरा था ले निशान तो नहीं पड़े आपके? निशान नहीं पड़े कोई भी है इस टाइम। इसमें कोई हमारे गांव में कोई 25 आदमी जो खा चुके हैं, जिनके घर के आसपास रहते हैं वो देते हैं उसको खाना, उनको नहीं काट रहा। मैं ऊपर गाना हूँ गाँव का, हमने वेटरनरी वालों को एप्लीकेशन वगैरह दी, उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसको एक बार उधर जंगल में ले गए थे, उसमें मीट में जहर डाला इसको, किसी ने नहीं खाया। गलत अंकल जी तो है, तो अपने कोई चारा ही नहीं था इसके अलावा। अरे अंकल जी मत करो, हम अपने हिसाब से करने दो ना। बस 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 बस। और जिनके घर में ये रह रहे उनको तो कोई आपत्ति नहीं है? उनको कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को काटता, इसको तो बाहर जाने की दिक्कत है, इसको तो जाने नहीं मेरे को काटता, इसलिए उन्होंने डंडा पकड़ा। डॉग है इतना अग्रेसिव नहीं है डॉग, अब कह रहे काट गया लगी नहीं लोगों को खट्टा है, याद में नहीं आता। अगर ऐसा होता तो आप इसे खाना वाना खिलाओगे, प्यार करोगे, किसी को नहीं काटेगा। डंडे से डर रहा है यार। वो बच्ची क्यों रोने लगी दिंगल जी? वो खाना खुना खिलाते हैं ना रोज। हमने इनको बोला हाँ। अगर आपने घर में रखना है तो इसके घर में सेवा करो, बाहर खुला मत छोड़ो। अच्छा, ये बोलते हमने पाला नहीं है हाँ। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। नहीं देखो बिल्कुल शांत होते हैं, जो है यहाँ के लोगों ने इसको बेचारे को बदनाम कर दिया। कल जी दो को ले आए थे ना, उस डे के लिए सुबह फोन आया अमनदीप को हमारे रेस्क्यू लाइन पे, तो ओनर बोल रहे थे कि लोगों ने पहले इसको पकड़ के मारा काफी ज्यादा डॉग को, यहाँ तक कि उनके घर में जाकर वो डॉग को पीटा है काफी बुरी तरह से, और तभी से उसने लोगों को काटना शुरू किया वहाँ। तो अभी ओनर उसको रखने के लिए रेडी है रूम के अंदर, इसको मतलब अपने साथ ही रखेंगे। अच्छा। तो हम एंटी रेबीज लगा के इसको वापस छोड़ने जाएंगे थोड़ी देर में। बेसिकली डॉग की कोई गलती नहीं है? नहीं, डॉग की कोई गलती नहीं है। चलिए आना क्या यार है? मेरी बात सुनो ना। हाँ जी, आपकी राय देखो। अच्छा जी, नहीं सर, नहीं नहीं लेना है। आपने थोड़े देर पहले ही बोला था ना कि आपको लेना है, मतलब फोन करके। बच्चे बोल रहे हैं लेकिन इनका मन नहीं लग रहा है, तो ये ऐसे इनको याद आ रही है, बोल दे रहे फिर तो गाँव इकट्ठा हो जाएगा, फिर बोलेगी कि आप ले आए, इसलिए सर रहने दो। थोड़े दिन के लिए या फिर हमेशा के लिए बोल रहे हो आप? हमेशा के लिए सर। ये तो आपका पेट डॉग है ना, हमेशा तो हम नहीं रख सकते ना, जगह हमारी वो हो जाएगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी इसके कारण। थोड़े दिन रख लो फिर ले लेंगे। क्या बात है, नहीं रखना है इसने? ये तो सुबह से परेशान कर रहे हैं, हम गाड़ी क्यों भेजी फिर हमने? मैं आपसे आपकी बात किस से है भाई, बच्चों से हुई है या पेरेंट्स से? इनके अमनदीप की हो रही है बात, लड़की और लड़के दोनों से। अरे पापा का फोन आया, बोला कि नहीं हमें नहीं चाहिए, ले आए वापस। अब हमारे सामने जैकी को अपने पास रखने और उसके लिए घर ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और अगले ही दिन उसको लेने कोई आ भी गया, लेकिन ये कोई और नहीं वही बच्चे थे जिन्होंने पिछले कल फोन किया था। आपके पापा से बात हुई थी कल? हाँ जी। तो उन्होंने मना कर दिया डॉग लेने से। एक काम करो, आप अपने पापा से मेरी बात करा दो। घर पे किसी का तो होगा है, चलो जो डॉग है हमारे पास जिसको हम लेके आए, आपके घर का डॉग है? जब इसमें कोई हमारे गांव में कोई 25 आदमी जो खा चुके हैं घर के, पता नहीं जिन्हें मैंने वैसे बच्चों के साथ आ गया ना वो कहीं से। आपके घर का डॉग है, बोलो आपके घर का डॉग है कोई, मैं इसमें कोई ऐसी घर का आपके, मुझे लगता है कि दे देना चाहिए डॉग, क्योंकि यहाँ रहेगा वो बंद रहेगा कैनन में। मैं सही बोल रही हूँ ना, देना बेटर है ना? तू देना सही है, तू यहाँ खाना नहीं खाया? एक बार आ जाओ, नहीं खाया उसने दो दिन से, खाना नहीं खाया। मैं सिर्फ डॉग की खुशी के लिए इसको जाने दे रही हूँ वापस ना, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरे लिए गलती बन जाए वो चीज़ ना। कोई दिक्कत आएगी दोबारा फोन करना है, ऐसा नहीं कोई पीटेंगे तो वीडियो बना लेंगे ना। पीटने क्यों देना है, कोई कैसे पीट देगा आपके डॉग को? आ गया, आप इतना क्यों डर रहे हो उससे? आपका ही है ना, दो तीन दिन हो गए ना, हर डर लगता है। कुछ नहीं करेगा वो, हमें कुछ नहीं किया उसने, नए लोगों को इंजेक्शन भी लग गया। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करते ना, आराम से करो, ऐसे ऐसे करो आराम से, कुछ नहीं करेगा। ऐसे बच्चा, ऐसे गुड बॉय है, ऐसे गुड बॉय है। आ जाओ भाई आ जाओ, कुछ नहीं करेगा, बैठो आराम से। वो भाई वो रो रहे हैं जाके वहाँ पे। अच्छा, तो कह रहे हैं हमारा कुत्ता, आप क्यों ले आए हो? तो सर इनको ना ये बोलना कि आप इसको बांध के रखो, जो उन्हें बोलना हमारे पास दो तीन दिन से रहे हमें नहीं बात। वो प्रधान आ गया, बस लिखित कार्रवाई करेंगे हम। भाई तुम हम लोगों को बेवकूफ समझते हो, फ्री बैठे तुम्हारे लिए वो जो ना वहाँ जाओ बात करो, फ्री बैठ में थोड़ा यार, चार आदमी इकट्ठे हो गए, तुम वो बच्चों वाली बातें कर रहे हो ना, मतलब चार आदमी आ गए तुम पीछे लग पड़े हटने।
भाई ये दो आदमी ये गए थे, एक वो गए थे, कहां गए वो गए कहां गए ये तो इन्होंने बोला कि हम कुत्ता बांध के रखेंगे, ये हमारा कुत्ता है, हमने इनको देने के लिए मना करे रोने में। ऐसा हुआ ना इस कुत्ते ने मतलब 30-35 लोगों को काटा हुआ। जब इनके पास जाते हैं पंचायत में, लोग एप्लीकेशन देते हैं कि प्रधान कुछ नहीं कर रहा है, जब पंचायत ने कार्रवाई की है उसके बावजूद भी ये लोग गए हैं। ये तीन बंदे लेके आए हैं, कौन-कौन लेकर आए? एक दो तीन सारे सारे सुनो। हाँ जी, ये मेरे कुत्ते ने काटी है, एक महीना हो गया मेरे को, अभी तक पीक चली है, मेरे को टांके लगे हैं, दो बार मेरे बच्चे को काटे हैं, तो पानी भी नहीं जा रहे हैं। कुत्ते लाने कुत्ता प्यारा के मानू प्यारा, पहले बताओ पहले इनको क्या करना है भैया, बताओ क्या बात आपको नहीं पता थी पहले? लिख के दो भाई, इधर कागजात लिख के दो, तय लेनी है मुन्नू जिम्मेवारी नहीं ले लियो हैं? ए ना करा दे बोला, तू नहीं ले लियो, ओए मजाक है, सब चीज वापस चलो चल कर बापू है ना, इन्हें पूछा रखना कुत्ता ठीक है नहीं था भाई, ना करा था बापू। बच्चों तो बच्चे हैं, ये बहुत बड़ा आदमी साथ में गए, तभी मना किया ना, आप नहीं करा मना, झूठ मत बोलो, कुत्ता है किसका ये? अब ये कह रहे मारा नहीं है, ये बच्चा है स्टार मसाला है, ये बच्चा पता नहीं लेने नहीं तक लाए तक ले क्या करना है, चलो ठीक है सर ले जाओ, क्या कुछ सिट सिट तुम्हारे मारे मस्त बैठा यार बेचारा। हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन अस्पताल में यहाँ की पिछली आईजी साहिबा ने अपने पेट के ख़त्म हो जाने के बाद उसका डॉग हाउस डोनेट किया था, वही डॉग हाउस अब हमने जैकी के नाम कर दिया। तेरे पीछे भी चाली है, मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है ना, देखो उस गांव से ज़्यादा खुशी यहीं रहेगा। ये तो सुपर फ्रेंडली है, बस बस अभी घुमा रहा, बहुत समझदार डॉग है ये, सुसु पॉटी सब भारी कर रहा है जब तक वॉक पे नहीं आया। चलो वापसी आ जा, ठीक है देखो बाय बाय, हाइल भाई गए तो रोने लगा, हाइल भाई याद कर रहा है आपको, अब शाम को अभी भी शाम को यार साहिल भाई कर लो यार। जिस दौरान जैकी और साहिल की दोस्ती गहरी हो रही थी, उसी दौरान जिस जॉइंट फैमिली में जैकी रहा करता था उसके कुछ और बच्चे जो जैकी को मिस कर रहे थे वो उससे मिलने आए। आप लोग के साथ ही रहता था ना, मतलब हम तीन चार फैमिलीज हैं ना उनके पास है। तो फिर ये सडनली एग्रेसिव कैसे हो गया? मारा था ना, ताया ही है ना वहाँ, नया नया आया था ना तभी, मतलब ऐसे ही ऐसे पिटाई कर दी। तो ये कब आया आप लोगों के पास? इसको 1 ईयर हो गई, एक बार तो उसके ऊपर स्कूटी चढ़ा दी थी इसलिए उन्हें स्कूटी के बालों के पीछे दौड़ता ही है। आप लोग लेने ही आए थे क्या? सही सही बताओ, बस मिलना है। ओए जैकी, जैकू बोला रहे। ये बच्चे जैकी को प्यार तो खुद से कर सकते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी अपने माँ बाप की मदद के बगैर नहीं उठा सकते, और उनके माँ बाप इसमें अपने बच्चों की मदद ना करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि देखो जिसे तुम प्यार करते हो उसकी जिम्मेदारी नहीं भी उठाओगे तो कोई बात नहीं,